हमरा छोड़िए के गे माइया। झगड़ा 50 रुपये कारण हुआ है। ऊबर था 50 रुपये दो, तो मेरा भाई बोला कि हम आपको चिन्हबिन करते तो 50 रुपये कर चीज दे, मेरा पास चेंज पैसा नहीं है। उसने बोला तुम हमको जानता है, अब पूरा निकाला दिया, पूरा गर्दन काट। रात में 1 बजे फ़ोन किया, 1:25 असमुद्दीन फ़ोन किया, वो बोला मेरे भाई के गले में छुरी मार दिया, ऐसे जल्दी जा तुम लोग हॉस्पिटल लेके जाओ। हम वहाँ पर पहुँचे, घटनास्थल पर पहुँचे, वहाँ देखे कोई नहीं है। उन लोग तीन लड़का था, तीनों का नाम जानते हैं, मस्तान था, तौफीक था और एक साकिब का नाम था। उन लोग तीनों लड़ा झगड़ा कर रहा था, हमको क्या मालूम कि यही लोग से लड़ा हुआ, यही लोग छुरी मारा है। इन लोग पूरा गाड़ी बड़ा शीशा उसा पूरा फोड़ रहा था, सब सब कुछ फोड़ फाड़ दिया। हम लोग वहाँ गए हैं, देखे नहीं थे, दोबारा गए हम अपना अम्मी को लेकर आए तो देखे भैया को वहाँ मार के, मतलब डेड कर गया भैया वहीं, मार के पूरा खून से गला काट दिया पूरा, मतलब जहाँ तहाँ पूरा मार दिया, पूरा खून से हम उठाएँ उसको, ऐसे ऐसे किए देखें क्यों ख़त्म हो गया। वहीं में फिर हल्ला उल्ला हुआ, फिर आया 2-3 आदमी और मारा, एक वो इलियास ददंग मारा है, एक वो सागर के मारा है, वहीं टोटो उठा के। झगड़ा किस चीज़ को लेकर हुआ? झगड़ा 50 रुपये कारण हुआ है। उधर से अखाड़ा देख के आया अरमान, और इन लोग आया, अरमान चल गया घर अपना, आया वहीं पर खड़ा था कि अपना खेनी उनी बना खा रहा होगा कुछ भी, आया उधर से गाड़ी डायरेक्ट वहाँ उसका चक्का पर खड़ा कर दिया तेज से, बोला 50 रुपये दो। भाई मेरा बोला यही कि कौन मांग रहा था 50 रुपये? वही साकिब जो असूरा मारा वही। अच्छा, वो बोल रहा था 50 रुपये दो, तो मेरा भाई बोला कि हम आपको चिन्हबिन करते तो 50 रुपये कर चीज दे, मेरा पास चेंज पैसा नहीं है। उसने बोला तुम हमको जानता है, असूरा निकाला दिया पूरा गर्दन काट, पूरा नस कट गया यहाँ का उतना ही देर में। इस तरह की आपराधिक घटनाएँ गिरिडीह के चेहरे पर कलंक है। पुलिस प्रशासन के तमाम पदाधिकारियों से जुड़ी हुई बात हुई है, अपराधी चिन्हित किए जा चुके हैं और हमें उम्मीद है कि हमारी पुलिस बहुत जल्दी उन्हें कानून के दायरे में ले आएगी। इस दुखद घटना का एक मानवीय पहलू और है कि मृतक की पत्नी और उसके बच्चे बड़े ही गरीब स्थिति में हैं। सरकार के तरफ से जो भी सहायता की राशि या जो भी चीज़ें हैं वो तो उनको मुहैया होंगी, लेकिन एक समाज के नाते हमारा आपका कर्तव्य भी यह बनता है कि पीड़ित मृतक की पत्नी के जीवन यापन के लिए कुछ मदद हम लोगों के तरफ से। मुफस्सिल एरिया में सेल वगैरह हो रहा मुहर्रम को लेकर जो है, वहीं से ये लोग जो है रात में आए हुए थे और इन लोगों से 50 रुपये का सर डिमांड किया, 50 रुपये दो टैबलेट लेना है, देने से इनकार किया। उसी पर इन लोगों ने जो है हमारा उस पर एक व्यक्ति का डेट कर दिया और दो व्यक्ति इंजोर्ड, दोनों इंजोर्ड को हॉस्पिटल भेजा गया और इलाज को भेजा गया। तीन व्यक्ति उसकी पहचान कर चुकी है, तीन व्यक्ति जल्द।